अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले एक पतीली लेंगे और उसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच। अब प्याज शामिल करेंगे, दो प्याज छोटे छोटे मैंने लिए। अब हम प्याजों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और आज हम बना रहे हैं चने की दाल वाले चावल। अब हमारे प्याज बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। ये 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच दड़ा मिर्च ये शामिल कर देंगे। 1 तेज़पात का पत्ता और 2 काली मिर्चें, इलाचियाँ और दालचीनी ये शामिल कर देंगे और खुश्क धनिया और जीरा 2 चम्मच। ये 1 पाव दाल है मैंने उबाल ली थी, अब इसे मैं शामिल कर दूंगी। चावलों को भगाए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसमें 5.5 गिलास, 3 गिलास चावल है, 5.5 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। अब हम ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट तक इसे उबाल आने देंगे। अब पानी उबल गया, अब इसमें ग्रीन चिली शामिल कर लेंगे। अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, अब मैं 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए। अब इसका पानी काफी हद तक खुशक हो गया और मेरे चावल भी 70% गल गए हैं। अब हम इसको दम दे देंगे। अब हम दम खोल के देखेंगे। हमारी चने की दाल वाले चावल तैयार हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब हमारा चने की दाल वाला पुलाव तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।